आगरा मंडलायुक्त गुरुवार को वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने कुंभ मेला तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान कमियां निकलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। बता दें कि 14 फरवरी को प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ वृंदावन पहुंचेंगे और संतों व अधिकारियों की बैठक लेंगे। धर्म नगरी वृंदावन में 16 फरवरी से शुरू होने वाले वैष्णव कुंभ मेला बैठक की तिथि नजदीक आ गई है और 14 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को देखते हुए जहां प्रशासन द्वारा तैयारियां जोर शोर से की जा रही है, वहीं तैयारियां समय से पूर्ण हो और कार्यों में किसी प्रकार की कमी न रहे, इसके लिए निरीक्षण का दौर भी जारी है। इसी श्रृंखला में गुरुवार को आगरा मंडलायुक्त अमित कुमार गुप्ता वृंदावन आए, जहां उन्होंने पर्यटक सुविधा केंद्र में डीएम नवनीत सिंह चहल एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों तथा संतों व धर्माचार्यों के साथ बैठक की। वहीं कुंभ मेला क्षेत्र में स्थलीय निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान कार्यों में कमियां पाए जाने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को सभी कार्य समय से एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने, यमुना में जल स्वच्छ एवं संतों व संस्थाओं को शिविर के लिए भूमि आवंटन जल्द कराने आदि के निर्देश दिए। वहीं एडीएम नवनीत सिंह चहल ने बताया कि कोरोना काल को देखते हुए भी व्यवस्था की गई है और सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन कराया जाएगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए प्रेम कौशिक की रिपोर्ट। बिल्कुल समय नजदीक है, देखिए जो आयोजन का समय काफी नजदीक आ गया है और उसी के चलते आज हमने भ्रमण किया, सभी के साथ बैठक की और विभागीय अधिकारियों के साथ भी बैठक की। अभी वहाँ फील्ड में जाके भी भ्रमण करेंगे, तो जो आखिरी में जो फाइनल टच होता है तैयारियों का, वो समय से सारे काम हो जाएं और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, जो आवंटन के कार्य हैं, बिजली कनेक्शन आदि के कार्य, वो सब समय से हो जाएं, ये सारी चीज़ें इन बात पर जोर दिया गया है। और कुछ छोटी मोटी समस्याएँ जो बैठक में उठाई गई या कोई बिंदु बनता है, उनके निराकरण के लिए कार्रवाई की। सर, 4 फरवरी है, 14 फरवरी का टीम आ रहे हैं, 16 से मेला शुरू हुआ, मथुरा वृंदावन रोड पिछले एक साल से बन रहा है, 4 किलोमीटर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, कैसे आप कर रहे हैं सोचते हैं वो सारी व्यवस्थाएं पूरी होंगी? रोड से बन जाएगा शायद अभी, मथुरा वृंदावन जी वो अभी शुरुआत हुई है उसकी सर, एक साल से एक जलने का पानी जो है, जलने का वाला तो 2-3 दिन में बन जाएगा। हाँ, जो अभी जल निगम जो बना रहा है पोर्शन, उसके बारे में बैठेंगे, बताया था 2-3 दिन बना देगा, बाकी अगर कोई लंबा काम है तो निश्चित रूप से समझ। यमुना को लेकर भी लोग आवाज उठाएंगे, यमुना का जल कैसे स्नान? देखिए, जल के बारे में बात हुई तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि अगले 2-3 दिन में जो निर्धारित मानक है उसके अनुसार जल आ जाएगा और प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी भी थे, उन्होंने भी जल की गुणवत्ता नापी है, तो उनके हिसाब से प्रथम दृष्टया संतोषजनक है और जैसे आगे और अधिक जल आएगा वो नापेंगे, तो मेरे विचार से ठीक ही रहेगा सारे। अगर बात करें तो कितने लोगों के आने की उम्मीद कर रहा है आप बताएं? नहीं तो कितना? 20,000 के लगभग लोग पूरे मेले में। 20,000 संतों के आने का एक आंकलन है, उसके अतिरिक्त तो कुंभ मेले में और कितने लोगों के आने की आंकलन आप? जो कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का आयोजन जनपद मथुरा में वृंदावन में जो किया जा रहा है, इसका आयोजन जल्द ही होने वाला है शुरू और इसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थी यहां पर आएंगे और इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। ये आकलन विभागीय एस्टिमेट्स के द्वारा ये लगाया जा रहा है कि लगभग 20,000 साधु संतों का यहां पर आगमन होगा। इसके अतिरिक्त अन्य भारी संख्या में दर्शनार्थी और स्नान करने के लिए लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे। ये मार्च के अंत तक लगभग ये कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक जो है ये वृंदावन में लगातार लगभग 1.5 महीना चलेगी। कोविड की गाइडलाइन का किस तरह से पालन करें? कोविड गाइडलाइंस के संबंध में टेस्टिंग के लिए जो एंटीजन टेस्टिंग हो चाहे आरटीपीसीआर टेस्टिंग हो, उन सभी टेस्टिंग की व्यवस्थाएं पूरे मेला स्थल पर कराई जा रही हैं। 3 डिस्पेंसरीज लगाई गई हैं, कोविड के लिए एक अलग से हॉस्पिटल मेला स्थल से एकदम नज़दीक पर आइडेंटिफाई किया है, 100 बेड का एक और हॉस्पिटल मेडिकल डिपार्टमेंट के द्वारा आइडेंटिफाई किया हुआ है। इसके अतिरिक्त जो जो श्रद्धालु या संतजन बाहर से आएंगे, उन सभी के लिए ये एक डायरेक्शंस भी इशू किए गए हैं कि आने से पहले पिछले 5 दिन के अंदर उनके पास एक कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट जो है वो लेके आएंगे और उसके बाद मेले स्थल में वो आएंगे। यहाँ पर आने वाले सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन आदि की कार्रवाई भी की जाएगी, मोबाइल यूनिट्स के द्वारा भी एंटीजन टेस्टिंग लगातार करते रहेंगे, सिम्टोमेटिक केसेस के आरटीपीसीआर टेस्टिंग लगातार चलती रहेगी, तो पूरे जो कोविड के मानक हैं उनका अनुपालन कराया जाएगा।